क्या आप भी एक बजट फ्रेंडली माइक को ढूंढ रहे हैं जो कि प्रोफेशनल साउंड क्वालिटी देता है, तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बोए वी बाय एमन माइक को, जिसका प्राइस अराउंड 800 रुपीज है, और वीडियो में आगे बताएंगे कि इसका जेन्युइन प्रोडक्ट आपको कहां से खरीदना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मुकुल यादव और आप देख रहे हैं मुकुल यादव यूट्यूब चैनल। वो हमारा ये बॉक्स डिलीवर हो चुका है, तो इसको अनबॉक्स करते हैं बिना किसी देरी के। इसको अनबॉक्स करने के बाद हमें कुछ कागज वगैरह देखने को मिलते हैं, इसको हम साइड कर देते हैं, और इसके अंदर हमारा बोए वी बाय एमन माइक का बॉक्स भी मिलता है। इसको भी बिना किसी देरी के अनबॉक्स करते हैं। पैकेजिंग काफी अच्छी है और देख सकते हो इसके अंदर हमें एक पाउच देखने को मिलता है, तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। और इस बॉक्स के अंदर भी शायद से कुछ है, वो इसको भी चेक कर लेते हैं क्या है। तो ये मैनुअल वगैरह है जो कि अभी हम पढ़ेंगे नहीं, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और इस ये बॉक्स है, इसको भी साइड में रख देते हैं। इस पाउच के अंदर हमारा बोए वी बाय एमन माइक है, तो इसको भी निकाल लेते हैं बाहर को। तो देख सकते हो ये हमारा बोए वी बाय एमन माइक है, और आपको मैं इसके पाउच पर ब्रांडिंग दिखा देता हूँ। बोए की काफी अच्छी ब्रांडिंग कर रखी है, और ये पाउच काफी स्मूथ भी था। तो ये देख सकते हो माइक है, बोए का टैग भी था, और ये देख सकते हो ये हमारा प्रॉपर माइक है, 20 फीट केबल के साथ मिल जाता है हमको। तो ये देख सकते हो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि यहाँ पर हमें एक पाउच के अंदर वो मिला था, एक छोटा पाउच, और उसको भी खोल लेते हैं। तो उसको खोलने के बाद हमें देखने को मिलता है माइक कवर, और ये मिलता है अडेप्टर क्लिप वगैरह। तो इसका सेटअप कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले मैं माइक कवर को लगा लूंगा, जैसे यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, आपको सिंपल से वैसे ही लगाना है। तो इस माइक कवर को अच्छे से पुश करना है इसके ऊपर, तो ये लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, आपको भी सिंपल से बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा टाइट लगा देता हूँ। अब बारी आती है क्लिप लगाने की, तो मैं क्लिप लगा देता हूँ। तो इसके अंदर हमको एक सेल देखने को मिलता है, वो अभी सेल मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं फोन से रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आप कैमरे से रिकॉर्ड करते हो तब इसको बीच में से खोल कर सेल लगा सकते हो, ये बीच में से खुल जाता है, वहाँ पर सेल डालने का होता है। तो अभी मैं क्लिप को अच्छे से इसके ऊपर पुश कर चढ़ा दूंगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हमारा माइक मोबाइल में यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। देखो, चाहे आप यूट्यूबर हो या पॉडकास्टर या फिर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, एक अच्छा माइक्रोफोन आपके साउंड क्वालिटी को एनहांस करता है और आपके कंटेंट को प्रोफेशनल दिखाता है। तो हमारा हमने माइक रेडी कर लिया था, तो अब उसको टेस्ट करके भी देख लेते हैं उसकी कैसी साउंड क्वालिटी देता है। तो पहले मैं अपनी आवाज़ फोन से रिकॉर्ड करूंगा, फिर उसके बाद मैं माइक से रिकॉर्ड करूंगा। तो अभी आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं डायरेक्टली मोबाइल से रिकॉर्ड हो रही है, वो भी बिना किसी माइक के। और अब आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं डायरेक्टली बोए वी बाय एमन माइक से रिकॉर्ड हो रही है। अब आपको पता चल गया होगा कि एक माइक की साउंड क्वालिटी और एक फ़ोन की साउंड क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि आपको पता है बोए वी बाय एमन माइक की बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज आ चुकी है मार्केट में, बहुत सारी डुप्लीकेट ब्रांड के प्रोडक्ट बना रही हैं। तो आपको बताने वाला हूँ आपको ये बाय कहाँ से करना है। तो आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक कर आप जेन्युइन प्रोडक्ट खरीद सकते हो। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं होने वाली है, ना ही मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आपको यही माइक बाय करना है। आप कोई सभी माइक बाय कर सकते हो, बट ये बेस्ट माइक है फॉर बिगिनर्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन पर सेट कर देना।